गंगा माता तुम यो करना न्यार पदे बेड़ी भी मलाव बटू या फदा गंगा बेड़ी मलेगी। अच्छा अच्छा पानी बेड़ी पानी समाएगी बटू ये बेगरी वर्द लिया दूधा लिया ये तो कुंभलगढ़ में ही है। हाँ ठीक है, तो जैसे काका ने बताया था कि हमारा इस नदी का इतिहास है कि यह वेरा का मठ से स्टार्ट होती हैं, तो वहीं आसपास में कुंभलगढ़ क्षेत्र में ही है वेरा का मठ और वहीं वर्दलिया दुदालिया की आपको घटना बताई इन्होंने। इस तरह के हमारे पूर्वज बताते हैं कि इस तरह का नदी हमारे प्राचीन काल से और यहाँ पानी अभी इकट्ठा हो रहा है, अभी अभी नदी आई है। अब आपको आगे से जाकर हम लाइव दिखाते हैं कि किस तरह नदी आगे बढ़ती है और क्या कुछ देखने लायक आपको नजारा रहता है, जो सभी आपको कवर कवर के मैं दिखा रहा हूँ। आप हम लाइव देख रहे हो मित्रों प्रकाश आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म यूट्यूब चैनल से, और अभी है हम हैं सेमा बनास नदी। दोस्तों हमारे चैनल एक आदिवासी संस्कृति परंपरा एवं काफ़ी क्षेत्र की न्यूज़ अपडेट्स एवं काफ़ी जानकारी को लेकर हमारा चैनल हमेशा एक्टिव रहता है, और हल्दीघाटी क्षेत्र का बहुत बड़ा चैनल है यह। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप दोस्तों हमें सपोर्ट कर सकते हो। अभी आपको दिखाते हैं नदी का आगे का व्यू, किस तरह नदी आगे की तरफ बढ़ती है, जब नदी आती है तो किस तरह का एक दृश्य बनता है, वो सुंदर दृश्य आज के इस ब्लॉग में हम दिखाएंगे। आप हमारे ब्लॉग तक के अंत तक बने रहें। बनास आगे की तरफ नंद समंद की ओर बढ़ते हुए और इस तरह के खड्डे जो हैं बनास पूर्ति हुई आगे निकलेगी। अभी आपको देखते हैं, अभी आपको थोड़ी ही देर में यहाँ लाइव दिखाया था, हल्का सा पानी आगे बढ़ रहा था लेकिन अभी बढ़ रहा पूरा वेग से धीरे धीरे बढ़ने लगा है। और अभी आपको दिखा रहे हैं ये खड्डा देखो पूरा भर गया, अभी इसी खड्डे में हलचल हो रही थी और ये खड्डा भर गया है पूरा। हमारा गाड़ी उधर पड़ा है तो हमें अब उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ सेमा गांव के ग्रामीण भी जुड़े हैं, इनसे भी जानते हैं कि हमारे यहाँ नदी पूजन की जो परंपरा है, नदी के बनास नदी का जो स्वागत की परंपरा है, तो क्षेत्रवासी किस तरह से ये परंपरा निभाते हैं, इसके बारे में आप बताओ। मैं गांव सेमा का रहने वाला हूँ, मेरे बचपन से मैं इस नदी की पूजा का देखते आया हूँ और वर्षों से बहुत लंबी पुरानी परंपरा है ये। नदी के आती फर्स्ट में जो नदी आती है उसका पूजन होता है, पूरे गांव वाले ढोल नगाड़े के साथ नदी का स्वागत करते हैं और बड़े हर्षोल्लास से नदी की पूजा की जाती है ताकि हमारे 12 महीने अच्छे निकले इस भावना से, और हमारे पूरे एरिया के सभी लोग संपन्न हो जावे सुख संपन्न ऐसी भावना रख के इस नदी की पूजा करते हैं, और ये वर्षों पुरानी परंपरा है। हमने कभी लोगों से सुना है जब बनास नदी आती है तो पहले ऐसी कोई परंपरा होती थी कि ऐसे हाथ निकालती थी, फिर वो लड्डू वगैरह रखते थे, इस तरह स्वागत भी होता था, वो उसके बारे में आपका क्या कहना है? पर किसी ने भूल में कोई गलती कर ली, इससे वो परंपरा अभी नहीं होती है जी। ठीक, धन्यवाद। तो इसी प्रकार हमारे बनास नदी की विभिन्न परंपरा है नदी पूजन की, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो लाइव में बताया था पूरा, और नदी अभी आगे बढ़ चुकी है। अगर दोस्तों आप पकड़
बोलिए महावीर भगवान की जय हो, बोले भैरवनाथ की जय, बोले बनास नदी की जय, सेमा बनास की जय। बंद करना चालू है, ले आधे सब खड़ा रही जाओ, एक फोटो ले रहा, चलो मोटरसाइकिल सही बड़े बड़े खड़ा हो जाओ सब। आचार्य नहीं बना, आचार्य मनोरी से आज आप भी बैठ लो, नहीं हर साल की बात ही है, इस साल भी हमने बनास नदी की। हमारे साथ अभी हमारे गांव के नगर सेठ और अखिल भारतीय जैन एकता मंच के राष्ट्रीय संयोजक जी हैं। इनसे हम जानते हैं कि हर साल की बात ये हमारे बनास नदी का 25 साल से पूरे ग्रामवासी की ओर से यह बनास नदी पूजन होता है। 25 साल से ये विधिवत सूखी नदी और पानी आने के बाद भी पूजन किया जाता है, ये सभी ग्रामवासियों की ओर से ये कार्यक्रम किया जाता है। 25 वर्ष से मैं सभी पधारे हुए जो इस पूजा में शामिल हुए उनको मेरी ओर से, मेरे अखिल भारतीय जैन एकता मंच संस्थान की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और अभी हम सबको प्रसाद वितरण करेंगे। चल प्रसाद तो दोस्तों हम दिखा रहे थे प्रकाश आदिवासी म्यूजिक फिल्म लाइव से, और हमारा यह सेमा गांव है और यहाँ नदी आ चुकी है। नदी का स्वागत करने बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ आए हैं और विधि विधान से पिछले 25 साल से इस नदी का पूजन और स्वागत करते हैं। और इस नदी का इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए काफी मात्रा में यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं। और नदी हमारे सेमा गाँव से आगे की तरफ बढ़ती हुई देख रहे हो आप, यह नंद समन बांध की ओर आगे बढ़ रही है। और कल बागेरी छलकने के बाद आज अभी सुबह सुबह नदी बनास नदी सेमा आ गई है। और यह सेमा गांव से आगे खमनौर की ओर हल्दी घाटी की ओर बढ़ी है। और यह पानी अभी आप देख सकते हो, अभी अभी तत्काल पानी आया है। और यह अभी आपको आगे इसका मुंह दिखाता हूँ जूमिंग करके, ये देखो नदी, अभी अभी नदी ने हमारे सेमा गांव से पुलिया से क्रॉस किया है और यह अपने नंदसमन की ओर बढ़ रही है। और कल बागेरी के भरने के बाद क्षेत्रवासियों में जैसे सोशल मीडिया के जरिए वो खबर वायरल हुई और लोग बड़ी संख्या में वहां बागेरी पहुंचे थे। और आज हमारे यहां बनास नदी यहां सेमा से आगे निकली है जो नंदसमन की ओर बढ़ रही है। और काफी ग्रामवासियों में भी खुशी की लहर है और काफी लोग यहाँ आए हैं। हम किसी से अभी कुछ हमारे युवा साथी हैं यहाँ के गांव के ग्रामीणों से भी हम रूबरू होंगे, बात करेंगे। तो हमारे सेमा बनास आज आ गई हैं विशाल जी, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, थोड़ा आप हमारे साथ शेयर करेंगे ये नदी का पूजन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए बनास नदी का ग्रामीण। जब बनास नदी आती है तो इस तरह का ये जो ऊपर कचरा वगैरह आता है, और अभी यहाँ पानी का थोड़ा भराव होने से पानी घूम रहा है और इससे आगे पानी बढ़ चुका है और अभी पूरा वेग से यह नदी बहने लगी है। और जैसे ही नदी के आने की खबर मिली हमें और हम यहाँ आ गए हैं कवरेज करने के लिए, और अनुमान है कि आज शाम तक नंद समंद में पहुंच जाएगी बनास नदी। इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल से आपको देखने को मिलते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हो।
कितना नदी के साथ में कचरा देखो बहकर भी आया है। हाँ हाँ, यह नदी का पूजन किया गया था, बनास नदी का। बिस्कुट ले ले। मित्रों अभी हमने इसी सेमा पुलिया, ये सेमा बनास से आपको नदी का पूजन का वीडियो दिखाया था, ग्रामीणों द्वारा किस तरह पारंपरिक रूप से पूजा की जा रही थी। और अभी आपको नदी का वेग दिखा रहे थे हम कि नदी किस तरह आगे बढ़ रही है। अभी अभी सुबह में आज कल हरियाली अमावस थी, आज ये कम है और आज यह नदी ने सेमा में प्रवेश किया है और अभी नदी जा रही है ये टाटोल बांध की तरफ। लेकिन यहाँ पे ये हमारा सेमा का गढ़ा का दरा है जो इसमें पानी अभी भर रहा है। आप देख सकते हो आगे अभी नदी यहाँ से बड़ी नहीं है और यहाँ पानी अभी इकट्ठा हो रहा है। अभी अभी नदी आई है, अब आपको आगे से जाकर हम लाइव दिखाते हैं कि किस तरह नदी आगे बढ़ती है और क्या कुछ देखने लायक आपको नज़ारा रहता है जो सभी आपको कवर कवर के मैं दिखा रहा हूँ। आप हम लाइव देख रहे हो मित्रों प्रकाश आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म यूट्यूब चैनल से और अभी है हम हैं सेमा बनास नदी। दोस्तों हमारे चैनल एक आदिवासी संस्कृति परंपरा एवं काफ़ी क्षेत्र की न्यूज़ अपडेट्स एवं काफ़ी जानकारी को लेकर हमारा चैनल हमेशा एक्टिव रहता है और हल्दीघाटी क्षेत्र का बहुत बड़ा चैनल है यह। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप दोस्तों हमें सपोर्ट कर सकते हो। अभी आपको दिखाते हैं नदी का आगे का व्यू, किस तरह नदी आगे की तरफ बढ़ती है, जब नदी आती है तो किस तरह का एक दृश्य बनता है, वो सुंदर दृश्य आज के इस ब्लॉग में हम दिखाएंगे। आप हमारे ब्लॉग तक के अंत तक बने रहें। दोस्तों आप देख सकते हो ये सेमा पुलिया, वहाँ से हम पैदल यहाँ चल के आए हैं, यहाँ तक हमारी गाड़ी आई, अब आगे गाड़ी नहीं आएगी। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं नदी किस तरह आगे बढ़ती है, नदी कैसे आती है और उसका नज़ारा किस टाइप का होता है। हमारे इस वीडियो को दोस्तों प्यार देना, शेयर करना, हम आपके लिए ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही सिंपल नहीं होता है वीडियो बनाना, एक खतरा है कि नदी के सामने जाना और उसको आगे से रिव्यू दिखाना। हम कोई बड़े स्टार नहीं हैं, हम बस छोटे मोटे आदिवासी स्टार हैं और हमारा एक YouTube चैनल है। बस इसी YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको इस तरह के अलग अलग जानकारी के वीडियो दिखाते हैं। देख सकते हो यहाँ नदी के आगे हम फ्रंट पे आगे हैं, यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है और अब आगे की तरफ पानी बढ़ेगा और उससे पहले ही हम यहाँ आए हैं और यहाँ का कवरेज करके हम आपको दिखाएंगे अभी। और कुछ साथी हैं हमारे साथ आए हैं, वो नदी के किनारे देखो, देख सकते हैं ये हमारे भील आदिवासी साथी हैं और अभी हम आपको आगे दौड़ के बताते हैं आगे जाकर किस तरह नदी आगे की तरफ बढ़ रही है। आज दिन से पहले आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा कि बनास किस तरह आगे की तरफ बढ़ती है, आज हम यह कवरेज करके दिखाएंगे। आ जाओ दोस्तों, गाइस आ जाओ, आप देख सकते हो जिस तरह पानी खड्डे में इकट्ठा हो रहा है ना, तो इसी तरह नदी किस तरह आगे बढ़ रही है बनास नदी, यह हम कवरेज करके दें। देख सकते हो आप आगे पूरा खाली पड़ा है अभी बनास, सुबह सुबह का समय है और इधर आगे पानी नहीं बढ़ा है और हम आगे हैं अभी। ये देख सकते हो ये पूरा खाली है और देखो मैंने आपको पूरा बहाव भी दिखाया था और मैं बता देता हूँ कितना पीछे कितना वेग से नदी आ रही है, लेकिन आगे थोड़ा थोड़ा पानी जा रहा है और अभी और आगे अभी ये खड्डे में देख सकते हो आप कितना पानी है, थोड़ी देर बाद दिखाएंगे ये खड्डा भर जाएगा। जब नदी आगे की तरफ बढ़ती है तो मित्रों तब कितना धीमी गति से वेग होता है और बाद में कितना जोरदार वेग से नदी अपने रूट पर आगे बढ़ती है, पूरा आज आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। और हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करते हैं, देखना हमारे साथ कौन कौन है। भैया क्या नाम है तुम्हारा? मेरा शंकर। पूरा नाम बताओ? शंकरलाल भील। शंकरलाल भील आदिवासी हैं ये। और आपका भैया? भील बताओ ना यार, अपन भील है, गमेती क्या लगा रहे हो? पुष्कर भील है। और आप? हिम्मत भील। हिम्मत भील।
और इसी के साथ हमारे कुछ आदिवासी महिला और कुछ लोग यहाँ नदी देखने आए हैं, तो हम पूरा आपको आज यहाँ से पूरा लाइव दिखाएंगे कि नदी किस तरह आगे बढ़ती है। पूरा आपको देखो, अब धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा है क्योंकि यहाँ पानी जो इकट्ठा हो रहा था वो भर गया है। ये हमारे भीली भाषा में धरा बोलते हैं इसको, नदी में जब इस तरह के छोटे छोटे और बड़े बड़े खड्डे नदी में बने होते हैं तो उसमें पानी इकट्ठा होने के बाद नदी आगे बढ़ती है। और अभी इसका वेग इतना सिंपल है, लेकिन अभी देखते ही देखते नदी का वेग आपको अभी इसका फैलाव दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है दोस्तों, इस कारण आपको कुछ आवाज सुनाई दे रही होगी। दोस्तों ये जो आवाज है यह सेमा पुलिया से आ रही है। अभी पानी हमारे भी दो तीन तरफ फैल गया है और हमारी गाड़ी उधर है, हमें भी थोड़ी देर बाद निकलना पड़ेगा वरना फिर जूते पहन रखे हैं हमने। पानी धीरे धीरे आवाज़ करने लगा है। यहाँ आप देख सकते हो जितने पानी इकट्ठा होगा और यहाँ से आगे बढ़ने लगा है धीरे धीरे, तब तक हम यहाँ नदी में स्नान भी करेंगे। और यहाँ नदी थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है इसलिए यहाँ फैलाव ज़्यादा होने से बहाव थोड़ा कम दिख रहा है। और अभी हमारे भी चारों तरफ पानी आ गया है, हमारे कुछ साथी भी किनारे पर चले गए हैं क्योंकि पानी अब धीरे धीरे बढ़ेगा और हम आपके लिए कवरेज कर रहे हैं। जब नदी इधर पानी आगे बढ़ रहा है तो इसके पास में जो रेती के खड्डे बने हुए हैं उसमें किस तरह की हलचल हो रही है जो आपको दोस्तों दिखाऊंगा मैं अभी। इस खड्डे का जुड़ाव अंदर से पानी इसके समतल पानी बह रहा है तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली पानी आ गया है और इसके अंदर धीरे धीरे अंदर ये खड्डा आपको पहले दिखाया था अब पूरा भर चुका है। देख सकते हो आप किस तरह, आप गाइस आपके लिए मैं कवरेज कर रहा हूँ, यहाँ भी गिर रहा है। तो मतलब नदी में इतने बड़े बड़े जो खड्डे होते हैं दोस्तों उनके पास नहीं जाए कि कभी कोई संभव कोई कह नहीं सकते हैं कब यह इस तरह हम पानी के अंदर चले जाएं। तो मैं अपने मित्रों को सजेस्ट करूँगा कि मैं जिस तरह वीडियो बना रहा हूँ ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। जब नदी बहती है तो नदी के पास बिल्कुल ना जाएं। आप देख सकते हो यहाँ धीरे धीरे पानी यहाँ भर गया है और अब आगे की तरफ बढ़ेगा। अब हम आगे जब तक नदी में यहाँ तक फुल वेग से बहने लगेगी तब तक हम स्नान करेंगे। अभी यहाँ इसी खड्डे का मैं थोड़ी देर पहले ही आपको लाइव दिखा रहा था, कुछ मिनट पहले, लेकिन कुछ सेकंड में ही ये खड्डा भर गया। और यहाँ हम अपने कपड़े रख के स्नान कर रहे थे और ये देख सकते हो इतना पानी का फैलाव हो गया। और अब नदी बढ़ेगी आगे और यहाँ से टाटोल बांध तक पूरा ढलान है और उसमें
नदी बहुत आगे की तरफ बढ़ेगी और अभी हमने यहाँ स्नान भी कर लिया है और अभी हम आपको बता दें कि हमने यहाँ स्नान कर लिया है आज हमने यहाँ पे और बनास नदी नहा के अभी हम निकले हैं और अभी आपको दिखाएंगे पूरा आगे बढ़ते हुए वेग का, नदी का वेग और नदी किस तरह आती है ये पूरा बताएंगे। आप बने रहें हमारे ब्लॉग पर। हमने यहाँ कपड़े रखे थे लेकिन यहाँ पर भी पानी आ गया, अब हमें थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। रेत निकालने वालों ने ये खड्डे किए हैं जो इस खड्डे में भी देखो धीरे धीरे पानी आने लगा है और ये पूरा जब नदिया में का वेग में पानी आ रहा है और नदी में पानी बढ़ रहा है इस तरह देखना खड्डे में किस तरह पानी आता है। ये स्वतः ही इसका कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन अंदर से अंदर जो नदी होती है जमीन के अंदर जो पानी का भराव होता है उसके आधार पे ये खड्डा पुनः भर रहा है या पानी निकल रहा है और इसी तरह पूरा सेमा गांव में ही अभी यह पानी इकट्ठा हो रहा था ये नदी में और सेमा की बनास अब आगे बढ़ने लगी हैं। हम आगे से लाइव दिखाते हैं। तो अभी फाइनली दोस्तों इतनी देर तो पानी भर रहा था तो हम आपको दिखाने नहीं पा रहे थे सही तरीके से लेकिन अब आपको दिखा रहे हैं। देखो किस तरह नदी आगे बढ़ती है और जब नदी आती है तो क्या माहौल रहता है देख सकते हो आप पूरा। अब यहाँ पे पानी जो इकट्ठा होना था हो गया है, अब पानी आगे बढ़ने लगा है धीरे धीरे। और अभी धीरे धीरे पूरा वेग से पानी बहेगा जो आपको हम कवरेज करके दिखाएंगे। कुछ ग्रामीण भी हैं हमारे साथ नदी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं और देख रहे हैं। अभी आपको नदी का पूजन भी दिखाया था कि नदी का किस तरह सेमा के ग्रामीणों द्वारा पूजन किया गया और अभी हम आगे से कवरेज करके हैं दिखा रहे हैं। देखना अब इसका स्पीड देखना पानी का। रेती का बनाया हुआ खड्डा है लेकिन कुछ ही सेकंड में अभी भर जाएगा। कुछ खेस तरह की हलचल होती हैं जब नदी आगे बढ़ती हैं तो आप देख सकते हो ये बस भर गया और ये पानी बस आगे बढ़ गया है और हमें अब बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि हमने जूते पहन रखे हैं। और इस तरह नदी आगे बढ़ती हैं, हम कुछ और कवरेज करके आपको दिखाते हैं। कई नाम है काका आपरो? नाम तो जरूर है ढूंगावा कट रहे हो डाबून मैं माओबार पर पोता हूँ। हाँ प्रकाश बिल धनबार पोता। आप देख सकते हो नदी में अब देखना ये खड्डा कितना बड़ा है और जब नदी आगे बढ़ती है तो इन खड्डों को पूर्ति हुई किस तरह आगे जाती है जो सब आपको लाइव दिखा रहे हैं। हम बनास नदी का आप लाइव देख रहे हैं डायरेक्ट और ये खड्डा देखते हैं बढ़ता। इससे पहले हम आपको थोड़ा वेग दिखाते हैं। ये देख सकते हो आगे की बनास सूखी पड़ी है लेकिन बनास आगे जब बढ़ रही है तो इसके वेग को आप देख सकते हो कुछ दी। इस तरह का वीडियो आपने YouTube पर के इतिहास में नहीं देखा होगा। जल जंगल के मालिक हैं आदिवासी और आदिवासी ही इस तरह की एक्टिविटी देखते हैं जो आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। खड्डा धीरे धीरे भरने लगा है। बनास आगे की तरफ नंद समंद की ओर बढ़ते हुए और इस तरह के खड्डे जो हैं बनास
पूर्ति हुई आगे निकलेगी। अभी आपको देखते हैं, अभी आपको थोड़ी देर में यहाँ लाइव दिखाया था, हल्का सा पानी आगे बढ़ रहा था, लेकिन अभी बढ़ रहा पूरा वेग से धीरे धीरे बढ़ने लगा है। और अभी आपको दिखा रहे हैं ये खड्डा देखो पूरा भर गया, अभी इसी खड्डे में हलचल हो रही थी और ये खड्डा भर गया है पूरा। हमारा गाड़ी उधर पड़ा है तो हमें अब उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बता नहीं सकते, कहीं हमारा गाड़ी नदी के अंदर रह ना जाए। दोस्तों अब हम आपको आगे लाइव नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हम भी इस नदी के बहाव में फंस सकते हैं, तो हमें अब जाना पड़ेगा। हमारा गाड़ी नदी के बीच छोड़ के आए हैं तो कहीं पानी के बीच रह ना जाए हम। अब हम आगे जाएंगे। यह आपको डायरेक्ट जो लाइव दिखा रहे हैं सेमा हल्दी घाटी से लाइव दिखा रहे हैं, प्रकाश आदिवासी म्यूजिक फिल्म से। आप नदी का एक ऐतिहासिक नदी किस तरह आती है, बनास नदी में पानी आता है या नदी में अक्सर पानी जो आता है तो किस तरह की हलचल होती हैं, यह कुछ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा कवरेज कर रहे हैं। दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ में। हाँ काका आप रोग ही नाम है कटे रहे वो डाबू ने वो मैंने सुना है ऐसी परंपरा रही है, हम कहीं सुनते हैं पूर्वजों से कि पहले जो बनास नदी आती थी ना तो मतलब ऐसे हाथ निकालती थी और फिर ग्रामीण लड्डू वगैरह रखते थे उस हाथ में और उसकी पूजा करते थे, फिर नदी आगे बढ़ती थी। तब तक जब तक ये पूजा करके लड्डू नहीं रखते थे तब तक वो लड्डू लेकर आगे नहीं बढ़ती थी। तो ये किस जगह होता था ये सा नजारा? कामा तुम कतरो छेटी है हाथ किलोमीटर वेगा है। तो आप भी देखियो ऐसो के नहीं देखियो? अच्छा डूक रखे था हूं ऐसो है तो पचे अबे ऐसो क्यों नहीं वे मतलब अबे कहीं भी हो अच्छा गोबर और लाडू रख दी तो रात में बड़दड़ा दुदाड़ियों ती आई है। हां क्या था हाथ डोकरा पे हड़े नहीं उबा। हां हां कावत भी है तो वणी में अणी में नदी में कई अंतर है मतलब अच्छा वालोई से हाँ तो अड़ी में तो कई भाटा वाटा ने है वणी में कहे के कोई मनक महीने उतरे तो वेन प्रो जावे वो तो हंकड़ो है हंकड़ा में जाई छे। अच्छा अच्छा गाने तो सवा साढ़े उतरो बटा तो यार वो हमें जाएगा। मतलब इधर बहुत ज्यादा चौड़ाई भी है इसमें। ओ तो पहला वंडे अलावा और कटे आनी नदी के बारे में कई हुणवा में आया जान गंगा माता तुमने यो कर न्यार पदे बेली भी मलाव बटो या फदा गंगा बेली मलेगी। अच्छा अच्छा पानी बेली पानी समाएगी बटोरी वर्द लिया दूधा लिया ये तो कुंभलगढ़ में ही है। हाँ ठीक है तो जैसे काका ने बताया था कि हमारा इस नदी का इतिहास है कि यह वेरा का मठ से स्टार्ट होती हैं तो वहीं आसपास में कुंभलगढ़ क्षेत्र में ही है वेरा का मठ और वहीं वर्दलिया दुदालिया की आपको घटना बताई इन्होंने। इस तरह के हमारे पूर्वज बताते हैं कि इस तरह का नदी हमारे प्राचीन काल से एक चली आ रही परंपरा है जो आज आपको हमारे आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव दिखाने दिखाया आपको। तो काका आप धन्यवाद है ना राम राम। तो इसी प्रकार नदी में यहाँ पानी पूर रहा है आगे बढ़ रहा है और बस यही आज का हमारा ये एक ब्लॉग था जो हम आपको दिखाने की कोशिश किया हमने।
आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि दोस्तों मैं और भी आगे दिखाने की कोशिश करता लेकिन नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मेरा गाड़ी आगे जो है जिस रास्ते में आया था वो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और अभी मुझे उधर जाना भी है और मेरा गाड़ी कहीं बीच में फंस नहीं जाए। और आपको मैंने दिखाया जिस तरह रेती के जो खड्डे बना रखे हैं उसमें किस तरह वो पानी से भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा गाड़ी फंस ना जाए इसलिए हमें यहाँ से निकलना पड़ रहा है, क्योंकि आप आगे देख सकते हो हमारे जाने का भी रास्ता अब रहा है नहीं है। जब हम आए थे तब कितना पानी था, अब आप देख सकते हो पानी फैल गया है। और यहाँ से बस नंद समन दोस्तों 7 से 8 किलोमीटर दूर है और यह नंद समन में जाकर आज शाम तक मिल जाएगी नदी। और अब यहीं हम लाइव को एंड करेंगे। जय पील प्रदेश, जय जोहार सभी साथियों को, जय भारत। हाँ रखता और पैसा बटू आगे बढ़ जाती है, आगे नहीं बढ़ती, पानी बटे भेड़ो बैठे तो चढ़ जाता पर आगे नहीं जाती। कहीं जगह है ये कामा ही दिन पूछना कामा जगह कार दी कई बेतु बटे। अच्छा कामा महीने जो हाथ निकालता वो का मतलब कई रे पैसा बटे बताई। अच्छा कहीं जगह कई बेतु वैसे बंदा वाला था वैसे मन गाने बटी होनर बात निकालता। ओके तो कहीं तरह वो हाथ निकालता क्योंकि सोना चांदी है। हाँ होना रो हाथ निकाल दो, होना रो हाथ निकाल दो है। अच्छा ठीक है चल। अभी हम सेमा पुलिया पे हैं और देख सकते हो हमारा आदिवासी बीलों का जो ग्रुप है यहाँ का, जिसमें सबसे ज़्यादा बील युवा है जो आज यहाँ नदी देखने आए हैं। और पूरा आपको आज के इस वीडियो में हम पूरा नदी का बनास नदी का व्यू दिखा रहे थे, तो किस तरह बनास नदी आती है और ग्रामीण बनास नदी को देखने आते हैं और किस तरह नदी आगे बढ़ती है पूरा आज का इस वीडियो में हमने दिखाया था। अभी सुबह सुबह हम यहाँ आए थे तब पानी कम था लेकिन अभी पूरा वेग से यहाँ पानी बह रहा है, नदी आगे बढ़ चुकी है सेमा से और आज ही नंद समन बांध में जाकर मिलेगी। कल बागेरी के बढ़ने से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है और काफ़ी संख्या में कल वहाँ आए थे लोग। रविवार को आपको तो पुनः वहाँ का लाइव दिखाएंगे, तब तक के लिए बाय।